हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं मोहम्मद तौहीद रज़ा, हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आपने जो है थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो है फेसबुक पेज को कैसे डिलीट किया जाता है। तो दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि जो है अपना फेसबुक पेज आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। तो दोस्तों, चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे जो है फेसबुक पेज को डिलीट किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे आ जाइए। जैसे दोस्तों फेसबुक प्रोफाइल पे आप आएंगे, उसके बाद आप देख रहे हैं जो है यहाँ पे थ्री लाइन है जहाँ प्रोफाइल आप देखते हैं, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, जो इस पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आप यहाँ जो है हमारे यहाँ दो ठो पेज देख रहे हैं, एक अजहरी पॉइंट है, एक कॉमेडी हाउस, और जो ऊपर वाला है जो वो तो मेरा प्रोफाइल है। दो जो है दो पेज हमारे यहाँ स्क्रीन पर जो है मौजूद है। तो दोस्तों, मैं जो है कॉमेडी हाउस को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जिस पे क्लिक किया, जिसको डिलीट करना है, जिस पेज को आपको, उस पेज पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद जो है फिर आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको जो इधर आना है सेटिंग पे, ये देख रहे होंगे नीचे में एक लिखा है सेटिंग एंड प्राइवेसी पे, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, फिर आप देख रहे होंगे सेटिंग, फिर आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी देर सर्च करेगा। सर्च करने के बाद दोस्तों जो है आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं एक जगह लिखा हुआ है पेज सेटिंग, इस जगह पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है पेज लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो आप जो है दोस्तों यहाँ से बहुत पेज के बारे में कुछ तब्दील करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसी जगह से चेंज कर सकते हैं पेज सेटिंग से। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो हमको यहाँ पर जो है पेज को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए दोस्तों जो है आपको जो है नीचे आना है, आपको नीचे आना है। उसके बाद जैसे नीचे आइए, आप देख रहे हैं एक जगह यहाँ पे, देखिए इस जगह पे लिखा हुआ है एक मिनट एक्सेस एंड कंट्रोल, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ देर तक सर्च करेगा, जैसा आपका नेटवर्क करेगा। जैसे देख रहे हैं दोस्तों, एक जगह यहाँ पे लिखा हुआ है डीएक्टिवेशन और एंड डिलीशन, यानी यहाँ पर जो है टेम्परेरी डीएक्टिवेट और परमानेंटली जो है डिलीट योर पेज। आप जो है इस जगह से क्या कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देता है, क्या आप हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं या टेम्परेरी के लिए जो है डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, जो है ऊपर में देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ऊपर वाला डीएक्टिवेट पेज और नीचे में डिलीट पेज। ऊपर वाला का मतलब है दोस्तों जो है डीएक्टिवेट पेज, यानी कि टेम्परेरी जो है आप कुछ दिन तक आप डिलीट करना चाहते हैं, हमेशा के लिए आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको जो है ऊपर वाले पे क्लिक करके जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फिलहाल दोस्तों मुझे जो है अभी परमानेंट जो है हमेशा के लिए डिलीट करना है, तो हमको नीचे पे क्लिक कर देना है। नीचे पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप जैसे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ आपको चार पांच ऑप्शन नज़र आ रहा है कि क्या रीज़न है आप किस वजह से डिलीट कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं ऊपर वाले को ले लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद जैसे ऊपर वाले को ले लीजिएगा, फिर यहाँ पर जो है लिख रहा है टाइम ओपन जो ऑन फेसबुक जो है यहाँ पर लिख रहा है, जो एक मरतबा अगर आप पेज को डिलीट कर देते हैं तो दोबारा आप जो है इसको रिकवरी नहीं कर सकते हैं, हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद जो है आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, फिर यहाँ लिख रहा है परमानेंटली डिलीट पेज, यानी कि यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का नज़र आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे एक जगह लिखा डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन और इस जगह पे ट्रांसफ़र योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आप यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो है आप इस पेज के अंदर जो भी पोस्ट किए थे, कुछ लिखे थे या कोई फ़ोटो वोटो सेव रखे तो उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं करना है, तो मुझे जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, उसके बाद जो है मेरा जो है प्रोफाइल जो है MD तौहीद रज़ा वो यहाँ शो हो जाएगा। तो आप घबराइए ना, आपका प्रोफाइल डिलीट नहीं होगा। जिस प्रोफाइल को आप यूज करके जो है पेज बनाए थे आपने, जो बनाया था, तो वो फेसबुक प्रोफाइल यहाँ शो करेगा। उसके बाद जो शो करने के बाद दोस्तों जो है आपको वो फेसबुक प्रोफाइल का जो है आप पासवर्ड दिए हैं, वो पासवर्ड को यहाँ फिल कर देना। फिलहाल मैं अपना पासवर्ड यहाँ फिल कर दिया हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखा पासवर्ड जो गलत बता रहा है, फिर से मैं दोबारा देता हूँ, हो सकता है गलती हो गई है। देखिए दोस्तों, मैंने दोबारा जो है पासवर्ड यहाँ पे फिल कर दिया, उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है डिलीट कॉमेडी हाउस पेज एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो ये है वी इन यू डिलीट योर फेसबुक पेज यू वांट टू बी अवेल, यानी कि ये जो है डिलीटी के बारे में कुछ लिखा हुआ, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, उसके बाद जो है यहाँ लिख रहा है द फॉलोइंग पेज विल बी डिलीट, यानी कि इसका जो है आप अगर इस पेज को दोबारा वापस लाना चाहते हैं तो आपको जो है 30 दिन का जो है ये टाइम आपको देता है। 30 दिन के अंदर आप जो है फेसबुक पेज को वापस लाना चाहते हैं तो आप 30 दिन के अंदर जो है फिर आप प्रोफाइल में जाएंगे, उसके बाद वहाँ सेटिंग अकाउंट सेटिंग में जाकर के वो जो इस प्रोफाइल को पेज को आप फिर दोबारा वापस ला सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप लाना चाहते हैं तो उस वक्त ला सकते हैं, फिलहाल मुझे नहीं लाना है तो मैं डिलीट पेज पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। जैसे डिलीट पेज पे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, उसके बाद कुछ देर तक ये वेट करेगा, उसके बाद देखिए जैसे मैंने वहाँ डिलीट पेज पे क्लिक किया अपने प्रोफाइल पे पहुँच गया हूँ। उसके बाद फिर आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो है पेज डिलीट हुआ कि नहीं, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ जो है अभी भी शो कर रहा है कॉमेडी हाउस, लेकिन दोस्तों ये जो है आपको 30 दिन लग सकता है ये जो है डिलीट होने में, फिलहाल देखते हैं हुआ कि नहीं। देखिए दोस्तों जो अभी सीज़न एक्सपायर प्लीज़ लॉग इन, यानी कि अभी जो है ये शो नहीं करेगा क्योंकि ये जो है प्रोसेस में ये कुछ दिन के बाद है ऑटोमेटिकली जो है ये डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये मैंने जो बताया है आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।